नमस्कार दोस्तों, चेतन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो मोटो जी 5 प्लस हमें क्यों नहीं लेना चाहिए, तो इसके 5 रीज़न मैं बताने वाला हूं। तो पहला रीज़न है हमारा उसकी प्राइस। तो ये अभी फ्लिपकार्ट 17,000 रुपये में बिक रहा है। अभी इसका SBI का ऑफर भी ख़त्म हो चुका है, तो इसी हाल में ये बहुत महंगा है। 17,000 रुपये में इससे अच्छे फ़ोन आ सकते हैं। तो इस सब स्पेसिफिकेशन देखने के बाद 17,000 रुपये इसकी प्राइस ज़्यादा है, 15,000 रुपये में होनी चाहिए थी। और इसमें 17,000 में आपको सिर्फ 32 GB मिल रही है, मेरे हिसाब से 64 GB तो मिलनी ही चाहिए थी। तो मेरा पहला रीज़न है इसकी प्राइस। तो अब जाते हैं दूसरे रीज़न की तरफ। तो दूसरा रीज़न यही आपको स्पेसिफिकेशन में मिल जाएगा। तो इसका दूसरा रीज़न है इसका डिस्प्ले। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ इसे TFT IPS डिस्प्ले यूज़ किया है। AMOLED डिस्प्ले होना चाहिए था, लेकिन AMOLED डिस्प्ले कंपनी ने नहीं दिया है और TFT IPS डिस्प्ले यूज़ किया है। तो इससे नुकसान ये होगा कि इसकी जो ब्राइटनेस है बहुत ही कम होगी। जो अब हम AMOLED डिस्प्ले में देखते हैं वैसी ब्राइटनेस इसमें नहीं होगी, और थोड़ा ब्लैकिश आपको दिखाई देगा, जैसे ASUS के फ़ोन होते हैं थोड़े से ब्लैक साइड से स्क्रीन आपको ब्लैक दिखती है, वैसे ब्लैक इफेक्ट आपको इस डिस्प्ले में दिखाई देगा। तो दूसरा रीज़न था इसका डिस्प्ले। अब तीसरे रीज़न की तरफ चलते हैं। तो तीसरा रीज़न है इसका स्पीकर। यहाँ देखिए आप, मोनो स्पीकर दिया है। तो आजकल 7,000 रुपये में भी स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, जैसे Redmi 3S है। तो Yamaha के फ़ोन भी आपको स्टीरियो स्पीकर में मिल जाएंगे, लेकिन इसमें दिया है मोनो फ्रंट स्पीकर। वो भी उन्होंने कहाँ दिया है, यहाँ देख सकते हैं आप, उन्होंने दिया है वो भी अपने मोटो के लोगों के ऊपर, जो आपको एयरपीस दिख रहा है उसके अंदर ही उन्होंने स्पीकर दिया है। मतलब स्पीकर और एयरपीस दोनों एक ही हैं। तो अब इससे पता चलता आपको चलेगा कि कितना आवाज़ इसकी लाउड होगी। तो इसका लाउडनेस बहुत ही कम है। तो अब यहाँ पे चौथा रीज़न हमारा है कि इसमें आपको मैग्नेटोमीटर और कंपास नहीं दिया है। तो इसका नुकसान ये होगा आपको कि अब GPS जब आप स्टार्ट करेंगे तो GPS से आपको इसका एक्यूरेट आपका लोकेशन में थोड़ी कमी आएगी। तो एक्यूरेट लोकेशन नहीं दिखा पाएगा मोटो जी 5। तो मैग्नेटोमीटर और कंपास होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन इसमें नहीं है, ये दोनों सेंसर नहीं है। हम फ्लिपकार्ट के साइड में भी देख सकते हैं, यहाँ हम नीचे सेंसर में जाएंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि इसमें सेंसर नहीं है। देखिए यहाँ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर है, एक्सेलेरोमीटर सेंसर है, जाइक्रो है, एम्बिलाइट और प्रॉक्सीमेट्री। तो इसमें आपको कंपास और मैग्नेटोमीटर नहीं दिया है। ये तो मेरा चौथा रीज़न। अभी पांचवा रीज़न है, इसमें USB-C टाइप नहीं है। आप इसका बॉटम देख सकते हैं इस फोटो में। तो इसमें आपको सिर्फ माइक्रो USB दिया है, तो इसमें आपको USB-C टाइप नहीं मिलता है। तो मेरे ये 5 रीज़न थे। आप देख सकते हैं कि पहला इसकी हाई प्राइस, दूसरा है TFT डिस्प्ले, तीसरा है मोनो साउंड, चौथा है इसमें मैग्नेटोमीटर और कंपास नहीं है, चौथा है नो USB टाइप सी। तो ये थे मेरे 5 रीज़न कि मोटो जी 5 क्यों नहीं लेना चाहिए। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे बने हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।